तो अभी हम निकल चुके हैं मसूरी से आगे। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं लंबी धार माइंस। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको पहुंच कर जरूर बताऊंगा। बहुत ही संकरा रास्ता है जिस तो शाम के 5:30 बज चुके हैं। आधा घंटे पहले हम मसूरी से चले थे और अभी सिर्फ 30 मिनट में हम 3 किलोमीटर ही कवर कर पाए हैं, क्योंकि रोड बहुत संकरी है और अभी 4 किलोमीटर और लंबी धारा माइंस है। तो उम्मीद है कि कहीं बहुत ज़्यादा रात ना हो जाए, और अगर रात हो गई तो हम बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक हॉन्टेड प्लेसेस है और इसके बारे में हमें सब कुछ जानना है और सब कुछ आपको बताना है। तो बने रहिए जनाब, अभी हम मसूरी से निकल चुके हैं लंबी धार माइंस की तरफ, और अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो यह है लंबी धार माइंस। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चूना पत्थर के माइंस हुआ करते थे, और इस माइंस में बहुत सारे मजदूर दब के मर गए, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है हमारे पास्ट की। लेकिन अब चीज़ों को हम बदल तो नहीं सकते हैं। तो जनाब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि लंबी धार माइंस के बारे में सब कुछ बताऊँगा, और ये एक हॉन्टेड प्लेस है। तो चलिए मेरे साथ। तो फाइनली बहुत लंबा ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं लंबी धारा माइंस, और यहां पर पहुंच के मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। हालांकि इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। कुछ लोग सामने बैठे हुए हैं, शॉप्स खुल चुकी हैं, और यहां देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हॉन्टेड प्लेस है। फिर भी हम इसके बारे में पूरा जानेंगे और पता करेंगे ऐसा क्या है कि जो इसे हॉन्टेड बनाता है। तो अभी मैं हूँ सत्या रावत जी के साथ, जो यहाँ पे एक लोकल पर्सन है, और लंबी धार माइंस के बारे में ये हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो एक्चुअली लंबी धार माइंस का नाम लंबी धार माइंस क्यों है? सही है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही लंबी धार, ये एक्चुअली ये जो पहाड़ है अभी तो इसमें फॉग लगा हुआ है, तो ये फॉग क्लियर होगा तो ये पहाड़ है, इसकी मतलब पूरी इसके ट्रेल है इसमें बहुत लंबी। ओके, तो लंबी के कारण जो मेरे को लगता है लंबी धार माइंस क्या है, तो लंबी धार के कारण मतलब ये एक माइन थी, मतलब खदान हुआ करती थी यहाँ पर, मार्बल की माइनिंग होती थी। ओके, जो वर्ल्ड में 2nd नंबर का मार्बल यहाँ पर निकला करता है। ओके, ये बंद कब हुआ? ये 96 के आसपास में। जैसे कि हमको पता है कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे यहाँ पे माइनिंग होती थी, और यहाँ पर चूना पत्थर की माइनिंग बेसिकली की जाती थी। तो आप कह रहे थे यहाँ पे कुछ हॉन्टेड प्लेस है, इसका क्या हिस्ट्री है? हॉन्टेड तो लोगों ने इसको बना दिया है एक्चुअली, जब कोई यहाँ पर रहता नहीं है, जंगल वाले एरिया में है, तो ये क्या हो गया था थोड़ा सा, ये आप देख भी रहे होगी, ये टूटा हुआ है, सारी चीज़ें डिमोलिश वगैरह हो गई, लोगों ने चीज़ें उठाई हैं, कुछ टूरिज्म वाले ने ले लिए, तो खंडर सा हो गया था, तो लोगों ने इसको एज अ कैजुअल हॉन्टेड लेना शुरू कर दिया। बेसिकली कोई कोई लोग जंगल में देखो पॉजिस हो भी जाते हैं, क्योंकि माइनिंग का टाइम था, ट्रक वगैरह जो होते थे। ओके, डेथ्स भी वगैरह हुई है यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पे सुना है कि बहुत सारे मजदूर यहाँ पे माइन में दब के मरे हैं, क्या ये बात सच है? ये तो सर जैसे 50,000 का बोलते हैं कि 50,000 लोग यहाँ पर मरे। ये लंबी धार माइंस की वो बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल खंडर हो चुकी हैं, और जैसे कि इस पर्सन ने आपको बताया कि यहाँ पर डैमेज हो गया था, यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। हालांकि 50,000 लोगों के मरने का यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मर चुके थे माइंस की वजह से। आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस माइन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। सचमुच बहुत डरावना, यहाँ पर आप देखिए। ये जो आप मेरे सामने पहाड़ देख रहे हैं, यही वो चूना पत्थर की खदाने वाली माइन है, जहाँ से बहुत सारा चूना पत्थर निकाला जाता था, और इन्हीं माइनों में दबकर बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई।
You were just there once per day. Sorry, imagine and go. When some couple told you sicker. Did anyone get it in order and let go? इस हॉन्टेड प्लेस को भी बिजनेस यूज का कर दिया गया है। ये सामने लंबी धार माइंस। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि ये प्लेस डिमोलिश होने के बाद थोड़ा हॉन्टेड लगता है, लेकिन हमें यहाँ पर रहकर ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। तब भी ये इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। शायद बहुत सारे यूट्यूबरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको एक हॉन्टेड प्लेस का नाम दे दिया है, इसी वजह से यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ा है।